नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म एनिमल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के लिए तैयार है। एनिमल की टीम इन दिनों जमकर प्रमोशन कर रही। बीते शुक्रवार को हैदराबाद में एनिमल का प्री रिलीज कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस इवेंट में साउथ सितारों से लेकर राजनीतिक पार्टी की बड़ी हस्तियाँ शामिल हुई। एनिमल के इवेंट में तेलंगाना के श्रम और रोजगार मंत्री मल्ला रेड्डी भी उपस्थित थे। उन्होंने इवेंट में बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसे लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे। वहीं रणबीर कपूर की प्रशंसा की जा रही। इंदौर में तेज ठंड ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया। इंदौर वेदर में शनिवार और रविवार को हुई बारिश के बाद सोमवार को दिन का तापमान 30 डिग्री पर आ गया है। रविवार को यह 25 डिग्री पर था। तेज चल रही ठंडी हवाओं ने दिन भर लोगों को कपकपाया। इंदौर में हो रही बेमौसम बारिश सोमवार को भी जारी रही। 24 घंटे में करीब 2.5 इंच बारिश हुई। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञ वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक मंगलवार को भी इंदौर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र ने भी 28 नवंबर को इंदौर संभाग में हल्की बारिश के आसार जताए। फरुखाबाद में माफिया अनुपम दुबे की 10.5 करोड़ की 6 संपत्तियों को और पुलिस व प्रशासन ने सोमवार को कुर्क कर लिया। पुलिस अब तक माफिया की 113.18 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। डुगडुगी पिटवाकर एसपी ने मुनादी कर लोगों को कुर्की की जानकारी दी। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसट्टा निवासी माफिया बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे आगरा जेल में बंद है। वर्ष 2021 में माफिया अनुपम व उनके भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन के खिलाफ शहर कोतवाली में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू हो गया है। सदन के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के विधायकों से सदन की कार्यवाही में सहयोग करने की अपील की और कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। शीतकालीन सत्र नई नियमावली के साथ शुरू हुआ। सपा विधायकों ने इसका विरोध किया और सदन में काले कपड़े पहनकर पहुंचे। नई नियमावली के तहत सदन में बैनर और झंडा लेकर आने की अनुमति नहीं। दिल्ली में मंगलवार को भी हुई कई इलाकों में सुबह बारिश हुई। एक तरफ जहां वायु प्रदूषण में कमी आई तो दूसरी तरफ लोगों ने छाते और गर्म कपड़े निकाल लिए। बीते सोमवार रात हुई बारिश और उत्तर पूर्व दिशाओं से आ रही तेज हवाओं से पारा सामान्य से 2 डिग्री नीचे चला गया था। दिल्ली में अचानक हुई बारिश के बाद लोगों ने छाते और गर्म कपड़े निकाल लिए। दिल्ली की सड़कों पर लोग पूरी तरह से कवर नजर आए। सोमवार को दिन में कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई जबकि शाम 7 बजे के बाद कई जगहों पर तेज बारिश दर्ज की गई जिससे मौसम पूरी तरह बदल गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सिरक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने टनल के प्रवेश द्वार पर स्थित बाबा बौकनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना कर सभी श्रमिकों के सकुशल बाहर निकलने की प्रार्थना की। सीएम धामी ने कहा कि पाइप में गए श्रमिकों की सुरक्षा का ध्यान भी रखा जाए। कहा कि अधिकारियों से अंदर फंसे श्रमिकों की कुशल क्षेम एवं निरंतर डॉक्टरों मनोचिकित्सकों व श्रमिकों के परिवारजनों से अंदर फंसे श्रमिकों की निरंतर वार्ता करवाने के निर्देश। क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह एस श्रीसंत सहित कई अन्य खिलाड़ी मंगलवार को धर्मनगरी कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचे। उनकी इस यात्रा की तस्वीर सामने आई। इन दिनों लेजेंड लीग क्रिकेट का आयोजन हो रहा है। इसके 4 मैच जम्मू के एमएस स्टेडियम में हो रहे हैं। लेजेंड लीग क्रिकेट में भाग ले रही मणिपाल टाइगर्स टीम के कप्तान हरभजन सिंह हैं। सोमवार को जम्मू में मणिपाल टाइगर्स और आरोन फिंच के सदर्न सुपरस्टार के बीच मुकाबला हुआ। इसमें मणिपाल टाइगर्स को हार का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देव दीपावली का दिया विश्वास विकास वैभव और वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक है। देवाजी देव महादेव की कृपा से समूची धरा इनके दिव्य आलोक से सदैव दीप्त रहे। देव दीपावली पर वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण देव दीपावली का कार्यक्रम न केवल काशी बल्कि देश व दुनिया का रिचुअल इवेंट बन गया है। 2 वर्ष पहले काशी की देव दीपावली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सहभागी बने थे। आज देव दीपावली में लाखों दीप जल रहे। इस कार्यक्रम के साक्षी दुनिया के 70 देशों के राजनयिक बने हैं। यानी प्रधानमंत्री के कारण 70 देशों की उपस्थिति एक साथ काशी में हुई। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल होने के बाद से ही मंत्री बनने को लेकर तारीख पर तारीख की घोषणा करने वाले सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब नाउम्मीद हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें अब दिल्ली से ही उम्मीद बची है। उसी उम्मीद को पुख्ता करने के लिए राजभर जल्दी दिल्ली कूच करने वाले हैं। वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर अपनी बात रखेंगे। शाह से राजभर की 30 नवंबर को मुलाकात प्रस्तावित है। देश को मंगलवार को 9 नए अस्पताल मिल गए हैं। इन अस्पतालों के खुलने के बाद 600 बेड बढ़ जाएंगे। इन अस्पतालों का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने किया। उन्होंने लखनऊ के चंदन नगर में नवनिर्मित 50 बेड के अस्पताल का लोकार्पण करते हुए अन्य 8 अस्पतालों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया।
इन खबरों में बस इतना ही, बने रहें हमारे साथ।